की आंखों में मिर्ची डाल गैंगस्टर को गोलियों से भूना। हार्डकोर अपराधी कुलदीप जगीना और उसके साथी विजयपाल पर आज जयपुर से भरतपुर पेशी पर लाते समय हलैना थाना क्षेत्र के अमोली टोल प्लाजा पर फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों हार्डकोर अपराधी की हत्या हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाशों को पुलिस जयपुर जेल से राजस्थान रोडवेज के बस में सवार होकर भरतपुर कोर्ट पेशी के लिए ले जा रही थी। अमोली टोल प्लाजा के पास रोडवेज बस के आगे बदमाशों ने अपनी गाड़ी लगाकर पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर गैंगस्टर कुलदीप पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बस में फायरिंग होने से बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। डोटासरा की बात और गधे ने मारी लात। राजस्थान में अब कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। दोनों पार्टियों के नेता अपने बयानों में घिरे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के रात 8 बजे बाद महफिल में मुख्यमंत्री बनने वाले बयान पर कहा कि डोटासरा जी की बात और गधे ने मारी लात जैसे है। ड्रोन की मदद से गीता कॉलोनी मामले को सुलझा रही पुलिस। दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर इलाके के पास से कई टुकड़ों में कटा हुआ एक महिला का शव बरामद किया है। लोकल थाना पुलिस मौके पर मौजूद है और मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी बीच डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी ने इस मामले पर ताजा अपडेट दिया है। डीसीपी ने बताया है कि मामले की जांच के लिए क्राइम और फॉरेंसिक टीम को घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस इस इलाके में तलाशी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रही है। दीवार गिरने से एक की हुई मौत। जिले के चेनारी थाना क्षेत्र मलहीपुर गांव में बुधवार की सुबह एक घर की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक अधेड़ की पहचान मलहीपुर गांव निवासी द्वारिका प्रजापति के रूप में हुई है। वहीं घायल रोगी पासवान और बुजू पासवान का निजी क्लिनिक में इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तीसरे दिन भी बीजेपी के निशाने पर रहे तेजस्वी। बिहार विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी बीजेपी के निशाने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे। बुधवार 12 जुलाई को सदन की कार्यवाही करीब 35 मिनट ही चली। तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने, शिक्षक भर्ती नियमावली में हुए बदलाव को वापस लेने समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान तेजस्वी यादव का बीजेपी ने विरोध जताया। गौतम गंभीर ने आप पर कसा तंज। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के जल स्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार से ही यमुना में जल खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहां रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने बुधवार दोपहर दिल्ली में एक राहत शिविर का दौरा किया। वहीं भाजपा सांसद दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी पिछले 9 साल से सिर्फ आरोप की राजनीति कर रही है। उन्होंने दिल्ली में बुनियादी ढांचे पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, केवल मुफ्त की राजनीति की, अपना घर बनाने की राजनीति की, लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति की है। अब वे बाहर आकर ये कह रहे हैं कि हमने तो 100 mm बारिश के लिए तैयारी की थी, लेकिन 150 mm हो गई। सौरभ भारद्वाज का केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप। दिल्ली में एक तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार बाढ़ से उत्पन्न चुनौतियों से पार पाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जासूसी की खबर से राजधानी की राजनीति चरम पर पहुंच गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे गंभीर मसला बताते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर जासूसी कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पहले लोगों की जासूसी होती थी, अब राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय की जासूसी कराई जा रही है। इंदौर मेट्रो के लिए 20 अगस्त तक पटरी बिछाने का टारगेट। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाला है। वहीं चुनाव से पहले प्रदेश की शिवराज सरकार ने सौगातों की झड़ी लगा दी है। बता दें कि हर रोज नई घोषणाओं को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान बाकियों से कहीं आगे हैं। बता दें कि मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत इंदौर और भोपाल दोनों जगहों पर मेट्रो को पटरी पर दौड़ाने का काम अधाधुंध गति पकड़े हुए है। इंदौर में पटरी बिछाने के लिए 20 अगस्त से डेडलाइन दे दी गई। दरअसल कहा गया है, कैसे भी करो लेकिन काम समय पर पूरा होना चाहिए। 3000 लोगों से ज्यादा वर्कर की टीम इस काम को करने में जुटी हुई है। पंजाब में पाकिस्तान के बांध टूटने से घुसा पानी।
पंजाब में लगातार हुई बारिश की वजह से खड़ी हुई परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई इलाकों में दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। फिरोजपुर में जीरो लाइन के पास पाकिस्तान के बांध टूटने के बाद भारत के सीमावर्ती इलाकों में पानी घुस रहा है। ये इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। वहीं लुधियाना में बुढ़ा दरिया का बांध भी टूट गया है, जिससे आसपास के इलाकों में पानी घुस गया। संगरूर के टोहाना से मुनकनेक के बीच घग्गर दो जगहों पर टूट गई है। आतंकी पन्नू ने वर्ल्ड कप रोकने की दी धमकी। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर उसकी हरकत सामने आई है। उसकी तरफ से पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखवाए गए हैं। पंजाब के बरनाला जिले में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर और घर के बाहर ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर पन्नू ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। यही नहीं, पन्नू ने भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप को रोकने की भी धमकी दी है। रोहतक में तेज रफ्तार कार का कहर। हरियाणा के रोहतक जिले से मंगलवार को एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने चार लोगों को रौंद दिया, जिससे एक 8 साल के बच्चे समेत 3 की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। कार सवार बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए 8 वर्षीय बच्चे को टक्कर मारने के बाद उसे 1.5 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे बच्चे के शरीर का आधा हिस्सा खत्म हो गया, जिसके बाद आरोपी गाड़ी चालक फरार हो गया। राहुल गांधी के समर्थन में सीएम भूपेश बघेल का मौन व्रत। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज देश भर में कांग्रेस ने राहुल गांधी के समर्थन में जुट रहे हैं। इसकी एक तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी से भी देखने को मिल रही है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने मौन व्रत रखा है। सभी नेता काला मास्क लगाकर मौन सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन इस पर बीजेपी ने सवाल खड़ा कर सियासत तेज कर दी है। मदनवाड़ा नक्सली हमले के शहीदों को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। आज से 14 साल पहले छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में नक्सली मुठभेड़ में नक्सलियों से लोहा लेते हुए तत्कालिक राजनांदगांव एसपी समेत 29 पुलिस जवान शहीद हुए थे। आज उनका 14 शहादत दिवस है। आज ही के दिन तत्कालीन राजनांदगांव एसपी स्वर्गीय विनोद चौबे सहित 29 जवान नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज उनके 14वें शहादत दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। चाईवासा में डिप्टी कमांडेंट को लगी गोली। चाईवासा में एक बार फिर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में डिप्टी कमांडेंट को गोली लगी है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक चाईवासा के गोयलकेरा थाना क्षेत्र के पंचाल तावरू गाँव के पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 209 कोबरा बटालियन की डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार तिवारी घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कोबरा बटालियन के जवान रूटीन सर्च अभियान चला रहे थे। धनबाद में आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। झारखंड के धनबाद जिले में आरएसएस कार्यकर्ता सहग्राम रक्षा दल के सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सामने से 6 गोली मारी गई हैं। बता दें कि घटना मंगलवार 11 जुलाई देर रात की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट पाई है। इमरान खान की बहन के खिलाफ केस दर्ज। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार उनकी बहन पर जमीन खरीदने में धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। दरअसल इमरान की बहन उज्मा के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने एक और मामला दर्ज किया है। मामला ACE झांग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इस मामले में 2 सह संदिग्धों नायब तहसीलदार अफजल सुलियाना और पटवारी असलम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR के मुताबिक डॉक्टर उज्मा ने धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए 300 कनाल से अधिक जमीन खरीदी है। FIR में कहा गया है कि जमीन सरकार की थी। 13 महीने की मासूम पर मां ने गलती से चढ़ाई कार। अमेरिका में एक दर्दनाक घटना घटी है, जहां एक महिला ने अपनी ही 13 महीने की बच्ची पर गलती से कार चढ़ा दी, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अभागी मां से यह सब कुछ गलती से हुआ, जिसका अफसोस इस महिला को आजीवन रहेगा। पूरा मामला अमेरिकी राज्य एरिजोना का है। NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना बीते 6 जुलाई का है, जब यावापाई काउंटी शेरिफ पुलिस को एक महिला ने कॉल किया। फोन पर
महिला ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि उसने अपनी 13 महीने की बेटी को कार से कुचलकर मार दिया है। हालांकि उसने इस बात को कबूल किया कि उससे यह सब कुछ अनजाने में हुआ है। नेपाल के पीएम की पत्नी का हार्ट अटैक से निधन। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की पत्नी का बुधवार को निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से बीमार चल रही नेपाली पीएम की पत्नी सीता दहल की हार्ट अटैक से निधन हुआ है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पीएम प्रचंड की पत्नी का इलाज नॉर्वेक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में चल रहा था। ट्रांसजेंडर मॉडल ने खिताब जीत रचा इतिहास। मॉडल रिक्की वैलेरी कोल्ब ने मिस नीदरलैंड 2023 का खिताब अपने नाम किया है। दिलचस्प बात यह है कि रिक्की ये खिताब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर मॉडल है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ट्रांसजेंडर महिला को ताज पहनाया गया है। इस जीत के साथ ही मॉडल रिक्की वैलेरी कोल्ब ने प्रतिष्ठित 72वें मिस यूनिवर्स खिताब की प्रतियोगी के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। 22 वर्षीय मॉडल ने शनिवार को एम्स्टर्डम में आयोजित एक शानदार समारोह के दौरान हबीबा मुस्तफा लूडर्च और नथाली मोगवेल ज़्यादा को हराकर ये प्रतियोगिता जीती। पत्रकार ने पूछा ऐसा सवाल कि गवानी पड़ गई नौकरी। आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है। शाहबाज सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पीएम बौखलाए हुए हैं, जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि उन्हें अब पत्रकारों का सवाल पूछना भी रास नहीं आ रहा है। दरअसल हाल ही में एक मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के एक पत्रकार ने पीएम से पूछ लिया सवाल, जिसका हर्जाना अब उसे अपनी नौकरी गवा भरना पड़ा है। ARY न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार ने देश के प्रधानमंत्री से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में सवाल पूछा, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।